नमस्कार। नवरात्रि के आठवें दिन आपका स्वागत है। आज कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। बहुत लोग नवमी को खिलाएंगे। ये कंजक या फिर कन्या खिलाने का क्या अर्थ है? चूँकि हम सृष्टि को स्त्री रूप में देखते हैं, तो कंजक या कन्या उसका सबसे कोमल और शुद्ध स्वरूप है। हालांकि भगवान हर बच्चे में रहते हैं, लेकिन बाल कन्याएँ विशेष रूप से 3 से 9 उम्र वाली सबसे शुभ, सबसे जागृत, सबसे स्पष्ट दिमाग और सौम्य होती हैं। कन्या खिलाकर हम अपने अंदर के कोमलता पक्ष का सम्मान करते हैं। जब हम नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी के कई नामों और गुणों का जाप करते हैं, तब हम उन गुणों को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं और वे समय की आवश्यकता के अनुसार हमारे बीच प्रकट होते हैं, हमारी सहायता करते हैं। सुंदरता का प्रतीक महागौरी, माँ का 8वां रूप, जिसका अर्थ है वो रूप जो सुंदर और दे दीप्यमान है। अगर हम देखें तो प्रकृति के 2 चरम हैं रूपों में। एक कालरात्रि जो सबसे अधिक भयानक और विनाशकारी, और दूसरी ओर हम महागौरी को देखते हैं जो कि मातृ देवी का सबसे सुंदर और शांत रूप। महागौरी सुंदरता के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करती हैं। महागौरी हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। देवी महागौरी हम सभी को आशीर्वाद और वरदान दें कि हम भौतिक लाभ की तलाश करें, उसका आनंद उठाएं, लेकिन भीतर से संतुष्ट रहें और जीवन में आगे बढ़ें।